आज हमने अपने पेज के मार्फत से आपको टंडो अलायार के बारे में बताना है कि टंडो अलायार सिंध का कितना कदीम शहर है और ये कब वजूद में आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 1709 में टालपुर ख़ानदान के अलायार टालपुर ने इस शहर को दरियाफ़्त किया था, और उसके बाद जब इसने दरियाफ़्त किया तो उसके बाद उसने यहाँ पर एक फोर्ट की तमीर की जिसे आजकल हम कहते हैं कच्चा किला के नाम से वो मशहूर है। और 1809 की दिहाई में यहाँ पर टालपुर ख़ानदान ने काफ़ी कॉलोनीज़ और घर वगैरह, शॉपिंग सेंटर वगैरह उसके साथ में तामीर किए। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश रूल जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उन्होंने 1906 में, अगर दोस्त करेक्शन करें तो वो मैसेज में मुझे बता सकते हैं कि 1906 है या 1907 की तारीख है। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाया था, क्योंकि टंडो अलायार जो शहर है वो तिजारत के हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट थी उस टाइम भी। और उसके बाद 1933 में यहाँ पर जो नसीर केनाल है वो भी ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर था सिंध के अंदर, तो तब ये केनाल भी ब्रिटिश इंतज़ामिया ने यहाँ पर बनाया था। और इसके अलावा 1947 या उससे पहले की तारीख अगर देखी जाए तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी एक साथ रहते थे, और काफ़ी उनका मशहूर था भाईचारा यहाँ पर। और यहाँ पर हिंदुओं का सबसे मेन यहाँ पर मंदिर है रामदीप जी, जिसको आजकल हम कहते हैं रामा पीर मंदिर। और वो एक मिसाल थी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की वो जो भाईचारे की मिसालें लोग देते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद, इस मुल्क की आज़ादी के बाद यहाँ से काफ़ी सिख और हिंदू कम्युनिटीज़ यहाँ से टंडो अलायार से माइग्रेट होके यहाँ से चली गई, और वहाँ से हमारे मुसलमान भाई जो इंडिया से वो माइग्रेट करके यहाँ पर टंडो अलायार तशरीफ़ लाए। तो आज यहाँ पर हिस्ट्री बताने का मेन मकसद ये था कि आपको 1709 से लेकर हमने 1947 तक की बातें बताई हैं कि टंडो अलायार में क्या चीज़ें हुई और किसके दौरे हुकूमत में हुई। और अब 1947 से लेकर 2023 तक जो टंडो अलायार की आवाम यहाँ पर रह रही है वो भी हमने आपको अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाना है कि लोग आजकल किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं टंडो अलायार। लेके चल रहे हैं शहर के अंदर, और अभी हम शहर के बाहर थे तो अभी आपको मेन कॉलोनीज़ दिखाते हैं कि 1947 से लेकर 2023 तक टंडो अलायार का नक्शा किस तरीके से यहाँ पर चेंज हुआ है, और रहन सहन भी लोगों का दिखाते हैं आपको।